मैं शक्ति वाहिनी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हूँ, रितु शर्मा नाम है मेरा जी। और अभी तक हम लोगों ने समाज सेवा से जुड़े और राष्ट्र सेवा से जुड़े प्रत्येक काम करने का प्रयास किया है, जिसमें गौ सेवा संघ की तरफ से हमने गौ माता की सेवा की है, ब्लड डोनेशन के माध्यम से कई लोगों की जान बचाई है ब्लड कैंप लगा के। इसके अलावा भी हम लोगों ने हमारी करनी सेना से भैया खड़े हुए हैं, कई रैलियों से प्रदर्शन किया है। अभी जैसे वर्तमान में बहनों के साथ जो चल रहा है उस पर सबसे ज़्यादा हमारा फोकस है, तो हमारा जो इसी में हमारा जो ग्रुप है मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन, उसके माध्यम से हमने 2.5 लाख बहनों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया। और इसी प्रकार से देश में जो भी छोटे वर्ग का व्यक्ति है उसके लिए सेवा करना, उसके लिए सेवा भाव करना, कोरोना काल में हमारे सारे संगठन जो इस प्रकार के काम करते हैं वह काफ़ी सक्रिय रहे और देश में अपना काफ़ी सेवा उन्होंने प्रदान की। खेलकूद में भी आपकी अच्छी रुचि रही है क्या कुछ उसमें? बिल्कुल भैया, मैं कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हूँ और मध्य प्रदेश में मैंने 2002 से 2008 तक, रितु शर्मा मेरा नाम है जैसे आपको मैंने बताया, तो 2002 से 2008 तक मुझे मेरे वजन में, मैं 48 किलो में खेलती थी उस समय, कोई नहीं हरा पाया था। और फिर उसके बाद कुछ मेरे साथ राजनीतिक रूपरेखाएँ बनी मेरे खेल में, उसके कारण मुझे छोड़ना पड़ा और जिसके कारण मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आई और मैंने राष्ट्र सेवा और राष्ट्रभक्ति का संकल्प लिया। और खेलों के प्रति अभी भी मन में है, इसी उसको लेके हमने बताया कि मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन द्वारा हम बहनों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, भाइयों को भी अपने लेवल से प्रशिक्षित करते हैं। जिन बच्चों को हमारी आवश्यकता लगती है खेलों में किसी भी प्रकार से, हम उनको अपनी पूरी सहायता प्रदान करते हैं। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? महिलाओं के लिए जैसे देश में बहुत ही संवेदनशील एक मुद्दा हमारा देश का है महिला सुरक्षा, तो महिला सुरक्षा का मैं बार बार वही बता रही हूँ कि मेरा पहला प्रयास है महिला सुरक्षा के लिए, तो वही प्रयास है कि अभी तक 2.5 लाख 2 लाख बहनों को जो प्रशिक्षण दिया है मैं चाहती हूँ पूरे प्रदेश में वो निरंतर जारी रहे, उसके माध्यम से प्रत्येक जिले की प्रत्येक बालिका को हम सशक्त बनाएं जिससे वे स्वयं अपनी रक्षा कर सके और असामाजिक तत्व को अपने शब्दों में जवाब दे सके, वो स्वयं अपनी रक्षा करने योग्य बन सके, ये मैं अपना लक्ष्य लेके चल रही हूँ। प्रदेश की प्रत्येक बालिका को मैं आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करना चाहती हूँ।